में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। आगरा में केंद्रीय बजट के संदर्भ में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता की। केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुपर पावर होगा भारत। केंद्रीय बजट में 7 ऋषि प्राथमिकताएं बताई। नगरों को बड़े अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन करेगा केंद्रीय बजट। व्यापार आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। महानर अध्यक्ष भानु महाजन, भाजपा नेता दिगंबर सिंह ठाकरे, नवीन गौतम, गौरव शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। आज आपको याद करने का मुख्य उद्देश्य 2023-24 का जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मेरे राजनीतिक जीवन के 6 कार्यकाल में मैं इस बजट को सबसे अच्छा बजट मानता हूं, क्योंकि ये बजट सर्वव्यापी है और सर्वग्राही है और सर्वस्पर्शी है। इसमें क्षेत्र को भी बैलेंस किया गया है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप, हर राज्य का, हर केंद्र शासित प्रदेश का, भाजपा शासित राज्य या भाजपा शासित राज्य, समान व्यवहार करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी का और हृदय के नंद गहराइयों से स्वागत भी करना चाहूंगा। दूरदर्शी भी बजट है, प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75 साल पर पिछले साल से 10 साल में तमाम योजनाएं की और हमने सफलतापूर्वक अपनी आजादी के, और 75 साल होने पर कर्तव्य की इतिश्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि आने वाले 25 साल जब हम आजादी के 2047 में 100 वर्ष कर रहे होंगे, तब भारत आर्थिक स्तर पर नंबर 1 पर होगा, विश्वगुरु होंगे, एक सुपर पावर होंगे, पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी होगी और विकसित राष्ट्र होंगे। कोई भी देश साल दो साल में विकसित राष्ट्र नहीं होता। हम अंडरडेवलप्ड थे, डेवलपिंग कंट्री हो गए हैं। 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य था, उसको हम पार किए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक रिपोर्ट को मैं देख रहा था कि 10-5 साल में ही भारत 10 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी पर पहुंच जाएगा। तो 2047 तक हमें तो नहीं रहना है, लेकिन उसके न्यू प्रधानमंत्री जी ने इसी बजट में रख दिया। और जब इतना अच्छा बजट 2023-24 का है, तो हमारे लिए ये बजट अपने आप में एक आधार रहेगा। जो 24-25 का आएगा, तो जब इसी को मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा बजट मानता हूँ, जब 24-25 में आएगा तो 23-24 तो मद्देनजर रहेगी। इसका मतलब एक ऐसी लाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खींच दी है कि आने वाले समय में उनको ही अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान बजट संबंधी स्थापित करेंगे। तो ये अमृतकाल का पहला आम बजट 23-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त सक्षम बनाने वाला बजट है। ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी।